तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हम आपको दोस्तों जो बताने वाले हैं वो विंडोज 7 को इंस्टॉल करने का तरीका बताने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं, उनके पास प्रॉब्लम ये आती है कि वो विंडो इंस्टॉल नहीं कर पाते, या विंडो करप्ट हो जाती है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसमें वायरस आ गया, जिस कारण से ड्राइवर नहीं काम कर रहा है, अनलॉक टूल नहीं काम कर रहा है, या सॉफ्टवेयर से संबंधित और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं कि विंडो की जो सी ड्राइव होती है, या पहली फर्स्ट ड्राइव को आप कह सकते हैं कि उसको अच्छे से फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद उसमें दोबारा विंडो इंस्टॉल करते हैं। विंडो इंस्टॉल करने के बाद तब हमारा सिस्टम से एक्टिव होता है और सिस्टम हमारा चालू होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं कि विंडो को इंस्टॉल करने का तरीका क्या क्या है, और विंडो को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, कि जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन आएंगे उस मोबाइल फ़ोन में विंडो का इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, और सॉरी लैपटॉप में विंडो इंस्टॉलेशन का तरीका क्या होता है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने सिस्टम में जो विंडो इंस्टॉल करेंगे 64 बिट की होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में काम करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए 64 बिट के विंडो का यूज रहता है। दूसरी बात क्या है, जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो विंडो इंस्टॉल करते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो सिस्टम की जो सी ड्राइव है वो कम से कम मिनिमम स्पेस आप कम से कम 100 से 150 GB का रखना है, उससे कम नहीं रखना, क्योंकि हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो लोड नहीं हो पाते, फिर बाद में दिक्कत आती है। आप 100 से 150 GB होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, आपके कंप्यूटर के अंदर जो है विंडो डालने के लिए कम से कम 4 GB RAM का आप यूज़ करेंगे, मिनिमम 4 GB RAM होनी चाहिए। इस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। विंडो डालने का तरीका क्या है, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे विंडो को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास HP का लैपटॉप है, और हम लोग इसमें विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका तरीका दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, आप उसका तरीका बताइए। तो सर, सभी बच्चों को जरा इधर दिखाओ। विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमारा सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम को बंद कर लेते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं। सिस्टम को स्विच ऑफ बंद करने के बाद हम लोग इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाने के बाद सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन करने के बाद इसमें एस्केप, F1, F2, F3 इस तरीके से इसमें बूट की बटन होती है, इसमें से किसी भी एक एक करके बूट बटन को दबाएंगे। अगर बूट बटन नहीं पता तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं इसका बूट की क्या होता है, कि आपने पेन ड्राइव लगा दिया, हमारा सिस्टम पेन ड्राइव में बूटिंग मोड पर जाएगा। तो आप सिस्टम को पहले ऑन करेंगे। सिस्टम ऑन करने के बाद आप पहले एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप एस्केप बटन को ऐसे टप 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 करके प्रेस करते रहेंगे, ये देखिए आपके सिस्टम में ऐसा मोड खुल जाएगा। इसमें लिख क्या रहा है, F1 सिस्टम इन्फॉर्मेशन, F2 सिस्टम, F9 से बूट डिवाइस ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, F9 दबा देना है। जैसे F9 दबा देंगे तो यहाँ पर ऐसे बूट डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। इस बूट डिवाइस में जा करके आप स्कैन डिस्क, क्योंकि हमारे पास जो पेन ड्राइव लगी है, सर सभी बच्चों को दिखाया जरा, इसमें से स्कैन डिस्क की पेन ड्राइव लगी है। जब स्कैन डिस्क की पेन ड्राइव लगी है तो आपको यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर स्कैन डिस्क का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारा, हम लोग देखो यहाँ पर ये स्कैन डिस्क ऑप्शन आता है, और इस स्कैन डिस्क वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर स्कैन डिस्क को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो ये आपका ये विंडो के बूटिंग मोड में चला जाएगा। किसी चीज़ में प्रेस एनी की दबाने को बोलता था, आप स्पेस बटन को गए, कोई भी बटन को आप दबा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका विंडो के सेटअप आगे आएगा। तो ये हमारा, आप देखेंगे ऑप्शन हमारा आ चुका है, और यहाँ पर लिख के जेनरेशन 2, हमारी विंडोज 7 की जेनरेशन 2 है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में है। आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है इंस्टॉल नाउ का, आप क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन आपका चालू हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा तो पूरा फ्रेश नया सेटअप हो जाएगा। नया सेटअप होने के बाद पूरा सारा सिस्टम इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपग्रेड पे नहीं जाना, आपको कस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है। कस्टम इंस्टॉलेशन में यहाँ पर आपके पार्टीशन खुल जाते हैं, आप पार्टीशन को मैनेज करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे जितने सारे पार्टीशन हैं, आप चाहो तो सारे पार्टीशन को आप ऐसे डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। जैसे पार्टीशन डिलीट हो जाएगा तो इसमें अनलोकेटेड लिख के आ जाएगा, फिर आप दूसरे वाले को लेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ओके करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा, इसमें भी अनलोकेटेड लिख करके आएगा,
उसके बाद आप यहाँ पर जा करके उसको भी डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारे इसमें डाटा पड़ा तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। फिर हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको अप्लाई करके ओके करेंगे तो ओके करने के बाद इसमें से दो पार्टीशन बन जाएंगे। एक तो पहला रिजर्व बनेगा जो सिस्टम अपने लिए बनाता है और दूसरा सी बनता है। तो पहली बात आप इसको क्या कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे। फिर इसको जाएंगे इसको फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट होते हैं, रिफ्रेश करने के लिए, डिलीट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, नया बनाने के लिए। आप जब ये हो जाएगा तो इसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो इसमें विंडो इंस्टॉलेशन आपका सेटअप चालू हो जाएगा, फाइलें कॉपी होने चालू हो जाएंगी। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 तक ऐसा ही परसेंटेज बढ़ेगा। और आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे परसेंटेज बढ़ेगा। जब आपको परसेंटेज थोड़ा सा 1, 2, 4, 5% हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर पोस्ट करूँगा, ताकि इसमें से फिर समय ज़्यादा लग जाता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, बस देखना होता है, वेट करना होता है, इंतज़ार करना होता है कि कब 100 तक जाएगा। और जितने भी सारी जो सेटअप की फाइलें होती हैं, वो सारी फाइलें एक एक करके कॉपी हो जाएंगी और एक एक करके इंस्टॉल हो रही हैं। फाइल को इंस्टॉलेशन में समय लगता है, कम से कम विंडो आपको 4 से 5 GB की विंडो होती है और इसको इंस्टॉलेशन में समय लगता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके सिस्टम और परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिस्टम कैसी, परफॉर्मेंस कैसा है, स्पीड कितनी मिल रही है, ये सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर मायने करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 1% है, फिर 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, धीरे धीरे करके होगा, समय लगेगा, जल्दबाजी नहीं करते। यहाँ पर कोई ऐसा रोल नहीं होता कि आप जबरदस्ती कर लें या कुछ अपने मन से खटपट खटपट कुछ करें ताकि जल्दी हो जाए। आप ऐसा तरीका नहीं ट्राई करेंगे। ये सारे जो वीडियो मैं आपको देता हूँ, ये हमारे उन स्टूडेंट के लिए है जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने में उनको प्रॉब्लम आती है, एक विंडो इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है। कहने को तो अपने आप को कहते हैं कि हम 8 साल से काम कर रहे हैं, जी 10 साल तो हो गया काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर नहीं रहे हैं। काम तो सिर्फ चला रहे हैं, वो काम तो किसी से करवाते हैं जा करके। तो इसलिए क्या है कि अगर वो इन सब चीज़ों को ले करके एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे और सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, हमारा देखो 100% तक हो गया है, और 100% इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर हमारा आगे का पूरा फाइनल पे सेटअप चालू हो गया है। जब फाइनल पे सेटअप चालू हो जाएगा तो फिनिशिंग करने के बाद ये हमारा पूरा जाएगा और सिस्टम एक बार के लिए रिस्टार्ट होगा। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद फिर यहीं पर आ जाएगा, सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए बोला है, आप R दबा देंगे फिर सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा आपका स्क्रीन चालू होगी। तो इंस्टॉलेशन का सेटअप आगे आ जाएगा, फाइनल का सेटअप आ जाएगा। जब फाइनल का सेटअप आ जाएगा तो फिर आप उसको पूरे सिस्टम को रेडी कर लेंगे, मतलब वो ये वही यूजर नेम, पासवर्ड, वाईफाई कनेक्टिविटी सब कुछ सेट करने के लिए बोलेगा। तो ये हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन के लिए आ गया है। जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद फिर सिस्टम एक बार बंद होकर के चालू होगा और पूरा आपके डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट करने के लिए बोलेगा। तो ये हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद ये विंडो स्टार्टिंग पोजीशन में आ गई है।
अब यहाँ पर देखिए हमारा यूजर नेम सेट करने के लिए बोलेगा, ये जब स्क्रीन आ जाएगी तो यहाँ पर यूजर नेम सेट करेंगे। ये टैग ईटेक स्टूडेंट नाम से मैंने यूजर बना दिया। नेक्स्ट, पासवर्ड डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, नेक्स्ट करेंगे। आस्क में लेटर, यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह जो सेट करना है सेट कर लेंगे। वाईफाई सेट करना चाहो वाईफाई सेट करते हो, नहीं आप इसको स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपका सिस्टम पूरा ऑन होकर के डेस्कटॉप आपके स्क्रीन में आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये देख सकते हैं कि आज मैंने आपको विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन बताया है, और ये मैंने पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताया कि आपके पास कोई भी विंडोज 7 लैपटॉप आता है या उस लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो विंडोज 7 है ये सिर्फ ओनली 5th जनरेशन से नीचे के लैपटॉप में ही इंस्टॉल होगी। अगर आपका लैपटॉप 6th जनरेशन से ऊपर है तो उसमें विंडोज 10 चलेगी, 7 सपोर्टिंग नहीं है। मतलब 5th जनरेशन से नीचे ही विंडोज 7 सपोर्टिंग है। लेकिन जो विंडो 5th जनरेशन के होते हैं, 4th जनरेशन के होते हैं, अगर आप उसमें विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहो तो आप विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं इंस्टॉल होगी, वो नीचे ऊपर सभी जनरेशन में इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन जो विंडो 7 है ये ओनली 5th जनरेशन तक ही इंस्टॉल होगी। 6 के बाद इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, 10 आ गई थी, फिर उसके बाद सभी में 10 ही आ रही है। ये 6th जनरेशन के जो ऊपर के लैपटॉप उसमें विंडो 10 ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो आज के दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने विंडोज 7 को इंस्टॉल करना सीखा है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लगता है और वेट करेंगे। हमारा चालू हो गया, हमने इसको क्लोज किया, फाइनल एक्टिवेशन, ओके, विंडो फाइनल सेटिंग, ये आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आ रही है, वेट करें।
ये हमारा, देखिए हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन आ गई है अब, लेकिन अभी हमारे कंप्यूटर ये कंट्रोल पैनल वगैरह वगैरह सारे नहीं आए, तो उसको लाने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप पर्सनलाइज में जाएं, पर्सनलाइज करने के बाद फिर आप चेंज डेस्कटॉप आइकन में जाएंगे, या माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, इसमें सब पे क्लिक करने के बाद जैसे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्क्रीन में वो सारे आइकन आपके आ चुके होंगे, ये देखिए आपके आ गए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें से आप रेजोल्यूशन भी इसका सेट कर सकते हैं, जैसे इसका रेजोल्यूशन जो होता है ये हम लोग फुल कर देते हैं, अप्लाई करेंगे, कीप चेंजेस, ओके, और आपके स्क्रीन में रेजोल्यूशन सेट हो गया। अब आप देखेंगे आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल हो गई है, माय कंप्यूटर में जाएंगे, ये आपका सी ड्राइव है, पूरा पहले फुल था खाली हो गया है, और ये सिस्टम की स्पीड इतनी स्लो थी कि मतलब चलने में समझ लीजिए इतना दिक्कत करता था जिसका हद ही नहीं था, कोई चीज़ खोलते थे उसको खोलने में 10 घंटे लेता था। अब देखिए सिस्टम हमारा कितना स्मूथ चल रहा है। अब सिस्टम में चलाने के लिए हमको गूगल डालना पड़ेगा, गूगल डालने के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन में भी रखते हैं, टाइप सी की डाटा केबल दीजिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर में हम लोग जाएंगे, ये मैंने अपना फोल्डर बना रखा है, आप यहाँ से क्रोम को कॉपी कर लेंगे, ये क्रोम आ जाएगा, ये फायरफॉक्स है इसको आप कॉपी कर लेंगे, जिससे आपके क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, विनरार है जो हिडन फाइलों को खोलने का काम करता है, तो ये जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर आप किसी भी चीज़ में रखते होते तो आप इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसमें वाईफाई कनेक्ट करिए, ये हमने वाईफाई को कनेक्ट किया, ओके, वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आप फायरफॉक्स को पहले इंस्टॉल कर लेंगे, ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया, एक एक करके जो भी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, फायरफॉक्स करने से आपका गूगल चालू होगा, क्रोम करने से भी आपका गूगल चालू होगा, विनरार करने से आपका हिडन फाइलें खुलना चालू हो जाएगी, जो मोबाइल फ़ोन में कहीं आप गूगल से इंटरनेट से जो भी फाइल को डाउनलोड करते हो सारी फाइलें जो होती हैं वो जिप फॉर्म में होती हैं, उन फाइलों को खोलने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर का विनरार है, 7-Zip है, इन सॉफ्टवेयर का डालना बेहद ज़रूरी है। फिनिश, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ओके, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, आप विनरार पे जाएंगे, विनरार को इंस्टॉल कर देंगे, फिर उसके बाद क्रोम को इंस्टॉल कर लेंगे, यस,
ये हमारा क्रोम इंस्टॉल हो गया है। अब क्रोम से आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो वो सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारे सिस्टम में सारा सेटअप इंस्टॉल हो गया है, हमारा कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी है। आप इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसके माध्यम से सॉफ्टवेयर में जो भी आने वाली समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए हम विंडो का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने विंडोज 7 को इंस्टॉल करने का तरीका बताया है, और जो भी लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनको विंडो इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो अपने लैपटॉप या सिस्टम को ले जाकर कहीं और जगह जाकर विंडो इंस्टॉल कराते हैं। विंडो इंस्टॉल कराने का वो पैसा भी पे करते हैं, 200-300 रुपये लिया जाता है, लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। बस खाली ट्रिक है जो आपको डालना आना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जिनको बूटेबल बनाना नहीं आता, तो मैं आगे बूटेबल बनाने का तरीका भी उनको बता दूंगा। विंडो को कैसे पेन ड्राइव पर डाल करके बूटेबल बनाया जाता है, उसका भी तरीका आगे मैं आपको आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियो में भी पड़ा हुआ है, तो आप चाहे तो बैक में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने जो आपको बताया विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन बताया है, और वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, चैनल से जुड़े रहें। और भी चैनल से संबंधित बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वो मैंने आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए ही डाला है, तो आप लोग उनको देखें, अच्छे से सीखें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित वीडियो देख करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सर आप इन वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए। आप चैनल पर जितना सारा वीडियो पड़ा है उस वीडियो को वॉच करिए। वॉच करने के बाद एक कॉपी पेन नोटबुक बनाइए। मैंने सर बहुत सारी चीज़ों का सीरीज बना रखा है, जैसे बेसिक का है, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने सीरीज दिया हुआ है, ताकि मैं बच्चों को काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सिखा पाऊँ। जो लोग कहीं पैसा दे करके सीखने जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऐसे ही सिखा दूँ, ताकि मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए आएँ तो बिल्कुल एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग लें, और वो कैसे मोबाइल फ़ोन में रिपेयर किया जाता है या फॉल्ट कैसे फाइंड करे जाते हैं, मोबाइल फ़ोन में कमी कैसे रिपेयर किया जाता है, तो प्रैक्टिकल करने में उनका हाथ बहुत अच्छा से स्ट्रांग हो, हैंड स्किल उनकी बहुत तगड़ी हो, ताकि उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये दोस्तों मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना करके देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कॉल करें। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैसेज करें, और वीडियो देखने बाद नीचे कमेंट में मैसेज करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।